मुकेश मिल्स का नाम मुंबई में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि ये जगह भारत के डरावनी और रहस्यमय स्थानों में शामिल है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मुकेश मिल्स में भूतों का बसेरा है। रात के समय यहाँ भूत दिखाई देते हैं तथा अनेक तरह की आवाज़ें निकलती हैं जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स तकरीबन 160 वर्ष पुरानी मिल्स है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अनेक सारी प्रेत आत्माएँ रहती हैं। वर्तमान समय में मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स डरावनी तथा हॉन्टेड फिल्मों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अनेक सारी बॉलीवुड की डरावनी और भूतिया फिल्में बन चुकी हैं। यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। बता दें कि इस जगह पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए आने वाले कलाकार भी डरते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इस कड़ी में हम इस मिल्स का इतिहास भी जानेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था जिसके चलते आज मुकेश मिल्स नाम से ही लोग डरते हैं। मुकेश मिल्स को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अनेक सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। रात के समय भूत प्रेत दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनेक सारे लोगों की मौत हो गई थी जो भूत बनकर यहीं पर भटकते हैं। रात के समय में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। मुकेश मिल्स में कपड़े बनाने का काम होता था। ये एक मुंबई की मशहूर मिल्स थी जिसमें एक ऐसी घटना घटित हुई कि उसके बाद ये खंडहर में तब्दील हो गई। मुकेश मिल्स में अब तक अनेक सारी बॉलीवुड की फिल्में और टीवी सीरियल की शूटिंग हो चुकी है, फिर भी लोग यहाँ पर जाने से डरते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर शूटिंग के दौरान आने वाले कलाकार भी डरते हैं। वह सब एक साथ रहते हैं और शूटिंग कंप्लीट होते ही फटाफट से निकल जाते हैं। मुकेश मिल्स को फिल्मों और शूटिंग में इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और एक वीरान सा स्थान है जिसे देखकर ही डर लगता है। इसलिए फिल्मों और टीवी सीरियल में भूतिया जगहों के तौर पर इसी जगह की शूटिंग की जाती है जो एकदम वास्तविक दिखाई देता है। बता दें कि कुछ वर्षों पहले इस मिल्स को फिर से ठीक करने का काम शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इस मिल्स में फिर से आग लग गई जिससे ये मिल्स पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस मिल्स का इतिहास आग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस मिल्स में आग ही लगी थी जिसमें अनेक सारे मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वही मजदूर आज यहाँ पर भटकते हैं, उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। बता दें कि जब दूसरी बार इस मिल्स में आग लगी तो ये मिल्स पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इसमें कोई सी भी जगह सुरक्षित नहीं बची, इसलिए लोगों में पहले से ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो चुका है। अब यहाँ के स्थानीय लोग मुकेश मिल्स नाम सुनते ही डरते हैं। मुकेश मिल्स मुंबई के दक्षिणी क्षेत्र में सावंत मार्ग पर स्थित है। इस मिल्स के आसपास का माहौल एकदम से वीरान पड़ा है क्योंकि कोई भी लोग इस मिल्स के आसपास से गुजरना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को इस मिल्स के नाम से ही डर लगता है, इसलिए इसके आसपास के सभी क्षेत्र खाली पड़े हैं, कोई भी निवास स्थल नहीं है। बता दें कि हॉन्टेड फिल्म और रहस्यमय जगह की शूटिंग के लिए वर्ष 1984 से इस जगह को किराए पर दिया जा रहा है। उसके बाद से ही लगभग सभी डरावनी व रहस्यमय फिल्मों की शूटिंग का सीन यहां पर ही पूरा किया जाता है। इस दौरान यहां पर उपस्थित कलाकारों को भी डरते हुए देखा गया है। मुंबई के दक्षिण क्षेत्र कोलाबा में स्थित मुकेश मिल्स की स्थापना भारत की आज़ादी से पहले सन 1852 ईस्वी में करवाई गई थी। इस मिल्स का नाम मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड था। ये मिल्स लगभग 10 एकड़ की ज़मीन पर फैली हुई एक विशाल मिल्स है जिसका मालिक मुलजी भाई माधवानी थे, जहां पर बड़ी मात्रा में कपड़े बनाने का काम किया जाता था। ये मुंबई ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मिल की सूची में शामिल थी। यहाँ पर सूती के कपड़े बनाए जाने का काम चलता था, लेकिन वर्ष 1970 में एक रात को अचानक से आग लग गई जिसमें झुलसकर सारे मजदूरों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि लाइट के शॉर्ट सर्किट से इस मिल्स में आग लगी थी। इसमें अनेक सारे रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर जलकर मर गए थे। ये काफ़ी डरावनी और मन को विचलित कर देने वाली घटना घटी थी जिसके बाद कई वर्षों से ये मिल्स ऐसे ही वीरान और खंडहर में तब्दील हुई पड़ी थी। परंतु कुछ 4-5 वर्ष पहले ही इस मिल्स को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय में फिर से इस मिल्स में आग लग गई।
और ये मिल्स पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दोबारा आग लगने के बाद इसमें एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा जो आग की चपेट में ना आया हो। लोगों का कहना है कि जो मजदूर आग में जलकर मर गए थे उन्होंने ही दोबारा इस मिल्स में आग लगाई थी। अब ये जगह रहस्यमय और भूतिया जगहों में शामिल हो चुकी है तथा बॉलीवुड की फिल्में और धारावाहिक के लिए भूतिया जगहों पर आती है। यहाँ पर अनेक सारी बॉलीवुड फिल्में शूट की गई हैं। आग लगने के बाद खंडहर में तब्दील हो चुकी मुकेश मिल्स रहस्यमय और भूतिया जगह में शामिल हो गई, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भूत प्रेत आत्माओं की बातें प्रचलित कर दी, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। इस मिल्स के आसपास भी कोई भी नहीं रहता है। खंडहर में तब्दील हो चुकी तथा वीरान पड़ी इस मिल्स पर फिल्म निर्माताओं की नज़र पड़ी और उन्होंने पहली बार 1982 में भूतिया और रहस्यमय जगह के तौर पर फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। ये घटना घटित होने के बाद बॉलीवुड में भी इस मुकेश मिल्स को लेकर खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। अब मुकेश मिल्स पूरी तरह से खंडर और वीरान जगह पड़ी है। अब यहाँ पर कोई भी शूटिंग नहीं होती है और ना ही कोई आता जाता है। मुकेश मिल्स के आसपास भी कोई भी निवास नहीं करता है। लगभग 10 एकड़ की ज़मीन पर मुकेश मिल्स खंडहर में तब्दील पड़ी है। ये जगह एकदम वीरान है तथा इसके आसपास के क्षेत्र में भी कोई भी निवास स्थल नहीं है। यहाँ पर कोई निवास स्थल बनाने की भी नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों में मुकेश मिल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा भय पैदा है। रात होने के बाद स्थानीय लोग इस मुकेश मिल्स के सामने तक नहीं देखते। सर्वप्रथम मुकेश मिल्स में आग लगने के बाद ये मिल्स खंडहर में तब्दील हो गई। उसके बाद फिल्म निर्माताओं ने यहाँ पर भूतिया और रहस्यमय फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग करने का ट्रेंड शुरू हो गया। हर तरह की अनेक सारी रहस्यमय फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर शुरू हुई। वर्ष 2015 में रिलीज हुई वरुण धवन और यामी गौतम की फिल्म बदलापुर की शूटिंग भी इसी मुकेश मिल्स में की गई थी। इस दौरान वरुण धवन और यामी गौतम ने भी यहाँ पर डर महसूस किया था। इस तरह की घटना बॉलीवुड के अनेक सारे अभिनेताओं के साथ भी हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी खुलकर इस विषय में बात नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान हाशमी और बिपाशा बसु ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वहाँ पर शूटिंग के दौरान उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया, उन्हें कुछ अदृश्य शक्ति होने का आभास हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोगों ने यहाँ पर भूत होने का दावा किया है तो कुछ लोगों ने इस बात का खंडन भी किया है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के समय यहाँ पर उपस्थित एक लड़की कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी और अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये घटना घटित होने के बाद बॉलीवुड में भी इस मुकेश मिल्स को लेकर खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। अब मुकेश मिल्स पूरी तरह से खंडर और वीरान जगह पड़ी है। अब यहाँ पर कोई भी शूटिंग नहीं होती है और ना ही कोई आता जाता है। रात होने के बाद स्थानीय लोग इस मुकेश मिल्स के सामने तक नहीं देखते। हमने आज के इस वीडियो में आपको मुकेश मिल्स के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।